मैं बींग ए हिंदू आज आप सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि क्या पता लोग कहीं मेरे को अलग से ना कर दे, क्योंकि मैं अकेला हिंदू था यहाँ पे। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना कि हिंदू मुस्लिम से बेहतर भाईचारा कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। अगर सक्सेस इतनी आसान होती तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं सुनना पसंद करता। सक्सेस तभी सुनना पसंद करता जब आपकी जर्नी में जान हो। 8 साल का मेरा ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से टीचिंग यहाँ पे देखी है, जिस तरीके से लाइव इंटरेक्शन मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ सर कि मैंने बहुत सारे टीचर से मैं मिला, मैंने काफ़ी सारे टीचर से मैंने एजुकेशन ली, लेकिन मैंने किसी टीचर की आवाज़ में दर्द नहीं देखा। हम लोगों को सर जब टेंसेस पढ़ाते थे तो हम लोग कुछ लोगों को समझ में आ जाता था, कुछ लोगों को बाद में समझ में आता था, लेकिन मैंने देखा दर्द वो जो सर के सीने में था ना कि यार तू क्यों नहीं सीख पा रहा, इससे ज़्यादा और सिंपल मैं कैसे समझाऊँ तेरे को। इतनी बार रिवाइज करवाया कि मैं तो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपके इरादे नेक हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो कभी भी रिलीजन के मामले में कभी नहीं पढ़ना। आपको ये सोचना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को ज़िंदगी में करना क्या है। जिस दिन आप वो सोच लोगे, आप लोगों की ज़िंदगी बनाओगे। आप जितना हेल्पिंग हैंड बनोगे, जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे, जितना आप ये सोचोगे कि मेरे को मिल क्या रहा है, तो लाइफ में कभी भी आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। आप ये सोचो कि कितने लोगों को आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जिस दिन ऊपर वाला देखेगा ना कि आपकी नेकियाँ कैसी है, आपने कितने लोगों का फ़ायदा किया है, आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, तो जब वो देगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मतलब मैं इसको कितना दूँ, वो ये देखेगा कि इसको इतना दूं कि ये संभाल ही ना पाए। इंग्लिश हाउस एकेडमी, इनके डिसिप्लिन को देखा है, इनके कमिटमेंट को देखा है, इनके सैक्रिफाइसेस मैं जानता हूं, मैंने सैक्रिफाइस को देखा है, इनके पैशन को देखा है, इनके परफॉर्मेंस को देखा है, इनके डिटर्मिनेशन को देखा है, और माशाल्लाह इनके सिंप्लिसिटी को देखा है। आसमान में तारे बहुत, लेकिन चांद एक होता है, तो चांद की तरह चमकते रहे पूरे 30 दिन, और आज भी दुल्हा बनकर चमक रहे हैं। ही इज़ द रियल जेम माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स यही सिखाती है कि हमेशा ज़िंदगी में जस्टिस करें, इंसाफ करें। तो इतने सारे मुसलमान बच्चे बच्चियों में ये वाहिद एक नॉन मुस्लिम लड़का है हर्ष, और माशाल्लाह हर एग्ज़ाम में 90+, और स्टेज पर कितने मोटिवेशनल टॉक्स देकर सबको ज़बरदस्त मोटिवेशन आपने दिए। इंग्लिश हाउस एकेडमी आपको एक अवार्ड से आनर करता है, और वो अवार्ड का नाम है जेम ऑफ द वर्कशॉप। वो अवार्ड देने से पहले मैं आज के जो चीफ गेस्ट हैं कारी ज़ियाद साहब पटेल, मैं आपको इनवाइट करता हूँ स्टेज पर। एंड दिस इज़ the award gem of the workshop for Mr. Harsh Bhati. Big round of applause for this boy. अभी ये award क्यों मिल रहा है, शायद इनके हाथ में जब माइक जाएगा तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो इंग्लिश हाउस अकेडमी ने जो भी मुझे दिया वो आज मेरे को रियलाइज हो रहा है। पहले दिन मैं जब आया था यहाँ पे, मैं मेरी जर्नी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ ताकि हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा ये रियलाइज़ कर सके कि मतलब लाइफ के अंदर कितने सारे ऐसे चांसेस आते हैं, कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब आपका विजन एकदम सेम होता है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, तो वो कैसे लेके जाता है। मैं आपको मेरी जर्नी बताना चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। आज से 4 साल पहले मैं वीडियोज़ देखा करता था जमा सर के, बट मेरे को ऐसे हुआ करता था कि यार मेरे को भी ऐसा बनना है लाइफ के अंदर, कि मतलब हमेशा मैंने एजुकेशन को तो प्रेफरेंस बहुत दी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी पूरी एजुकेशन ही है। तो मैं हमेशा पब्लिक स्पीकिंग के अंदर मोटिवेट होता रहता, मैं वीडियोस देखता रहता, मैं सर के जितने भी वीडियोस देखता था, तो मेरे को एक अलग फील होता था कि ये फील मेरे को अलग से आ रही है। मतलब जब मैं कुछ नॉर्मल वीडियोस देखता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, मैं फेसबुक पे वीडियोस देखता हूँ, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, तो मैं जब उसको कंपेयर करता था तो मेरे को मोटिवेशन ऐसा मिलता था कि यार मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, कि लोग मेरे को अपने कुछ करने की वजह से जाने, लोग मेरे मार्क्स की वजह से ना जाने कि हर्ष के इतने मार्क्स आए हैं, 99% आए हैं, जिसकी वजह से जाने। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने वीडियोस देखे काफ़ी सर के, तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बार मेरे को भी करना चाहिए। मेरी बहुत अच्छी खासी जॉब चल रही थी, आज मैं उन पेरेंट्स के सामने एक एग्जाम्पल बन के आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो बच्चों को कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मुकाम आपको मिलेंगे कि मतलब आपके सामने पूरा एकदम बना बनाया रखा हुआ है, हर चीज़ फैसिलिटीज़ आपके पास में है, हर चीज़ आपके पास में, बस आपको चम्मच लेके खाना है।
बट यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। जब मैं यहाँ पे आया सर के पास में, तो फर्स्ट डे मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होगा। मेरा विजन बहुत सिंपल था कि मेरे को यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इंग्लिश का मेरा ख्वाब नहीं था कि मतलब इंग्लिश मेरे को, क्योंकि मेरे को ऐसा पता था कि यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीचेस और पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स के अंदर एक मोटिवेशन था, एक जुनून था वो चीज़ का कि यार मैं मेरे बच्चे को भेज रहा हूँ सर, आप देख लेना। मैं हमेशा क्लास के अंदर ऐसा था कि मैं दूसरी तीसरी रॉ के अंदर बैठता था, तो मैं इसलिए आगे बैठता था ताकि मेरे लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, वो दिखे ना। मेरा हमेशा कॉन्सेंट्रेशन सर की आइज़ के अंदर रहता था कि मतलब वो जो बोल रहे हैं बस मेरे को सीखना है, कि वो जो सिखा रहे हैं मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि मेरे लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है। जब मैं क्लास लिया, एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स मेरे को याद है, क्योंकि जो मैंने सीखा मेरे दिल से मैंने सीखा। कभी किसी ने मेरे को आके बोला नहीं कि हर्ष आपको इतना नंबर स्कोर करना है, इतना परसेंटेज स्कोर करना है, लेकिन सर की एक एक बात मेरे दिल को छुई कि आज मतलब एक इंसान जो इतनी अच्छी जॉब के ऊपर थे, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, एक डॉक्टर पोजिशन के अंदर थे, बहुत बड़ी जॉब है, उनके पेरेंट्स का एक ख्वाब था कि हर एक बच्चा मेरा अच्छा लाइफ के अंदर जाए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से मैं मिला जिन्होंने वो जॉब ठुकरा के एक ऐसे पैशन को चुना, जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरे को मेरी लाइफ बनानी है, उन्होंने सोचा कि मेरे को करोड़ों लोगों की लाइफ बनानी है, मेरे को लाखों अरबों लोगों की लाइफ बनानी है। तो उन्होंने आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटे कि मेरे को एक को इंस्पायर नहीं करना, मेरे को करोड़ों लोगों को इंस्पायर करना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने सारी चीज़ें लर्न की, मैंने देखा डिसिप्लिन यहाँ पे कि एक टीचर की कमांड पे किस तरीके से पूरा यहाँ पे होता है। तो आज मैं बीइंग अ हिंदू, आज आप सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था कि क्या पता लोग कहीं मेरे को अलग से ना कर दे, क्योंकि मैं अकेला हिंदू था यहाँ पे, कि मेरे को ऐसा ना कर दे। जब पहले दिन मैं मिला यहाँ पे तो मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर था एकदम कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मामले में मेरे को नहीं जाना। जब इंसान के गोल नेक हो, इंसान के इरादे एक हो, इंसान सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है कि मेरे को वहां पहुंचना है, तो इंसान के लिए रिलीजन कभी मैटर नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके इरादे नेक हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो कभी भी रिलीजन के मामले में कभी नहीं पढ़ना। आपको ये सोचना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे को जिंदगी में करना क्या है। जिस दिन आप वो सोच लोगे, आप लोगों की जिंदगी बनाओगे, आप वो नहीं बनोगे जो आप अकेले बनोगे। आज आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सक्सेस नंबर्स में नहीं है, सक्सेस उसके अंदर है कि आप कितने लोगों की जिंदगियां बना रहे हो, कितने लोगों की जिंदगियां सवार रहे हो आप, कितने लोग आपको इसलिए जानते हैं कि एक वो इंसान है जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा सुधरा है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज ये इस यहाँ पे आए हैं। मैंने सर की पूरी ट्रेनिंग से और जितने भी यहाँ पे ट्रेनर्स हैं उनको मैंने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को रखा गया, यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों से इंटरेक्शन किया लाइफ के अंदर। हमेशा आगे बढ़ने के लिए मैंने उन बच्चों को देखा कि वो सामने से उस बच्चे को बोल रहे हैं कि नहीं, अपने को जो सर ने बोला है वो चीज़ें दिमाग में रखनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आपकी तरबियत अच्छी हो, अगर आपकी आपका नेचर अच्छा हो, अगर आपका दिल साफ हो, आपको एक हर एक बंदा आपको साफ नजर आएगा। अगर आप बुरे हो तो आपको हर एक बंदा बुरा नजर आएगा। अगर आपकी नीयत अगर सच्ची हो, आपके अगर दिलो दिमाग सच्चे हो, तो जिंदगी में हर एक बच्चा आपको अच्छा नजर आएगा। अगर आपके इरादे नेक हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरा गोल वहां है और मेरे को पहुंचना है वहां पे, तो दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने मेरे को पूछा कि इस प्रोफेशन में कितना पैसा है, सर अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा। तो मैं उस भाई से, उस बहन से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। अगर कितना देखना है तो आप जॉब ज्वाइन करिए, लेकिन अगर आपको अंधा देखना है तो पहले आप कम देखिए। आज मैं ये रिलेट कर पा रहा हूं जमा सर को कि मतलब जब वो स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने एक एक वीडियो देखा था कि हर गांव के अंदर वो जा रहे हैं कैब के अंदर, कितने लोग गिव अप कर देते हैं कि यार छोड़ना यार, कौन उतनी गर्मी के अंदर वहां पे जाए, मेरे को नहीं करना। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि वो कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। आप छोटा सा भी अगर एक कदम उठाते हो ना, तो वो आपकी सक्सेस का एक हिस्सा बनता है। अगर सक्सेस पहुंचने में टाइम लग रहा है तो जर्नी को एंजॉय करो आप। जिस दिन आप अपने फेलियर्स किसी के सामने बताओगे तो दुनिया आपको याद रखेगी आपके फेलियर्स के बारे में। अगर सक्सेस इतनी आसान होती तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं सुनना पसंद करता। सक्सेस तभी सुनना पसंद करता जब आपकी जर्नी में जान हो। तो आज मेरे को ये चीज़ फील हो रहा है कि सर ने जो जर्नी यहाँ पे फेस की है, और बेस्ट पार्ट मैं बताना चाहूँगा सर, मैंने कभी मेरा फीडबैक ये शेयर नहीं किया किसी के सामने कि एक ऐसा टीचर मैंने देखा जिसके आवाज़ में दर्द छुपा हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ सर,
कि मैंने बहुत सारे टीचर्स से मैं मिला, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स से मैंने एजुकेशन ली, लेकिन मैंने किसी टीचर की आवाज़ में दर्द नहीं देखा। हम लोगों को सर जब टेंसेस पढ़ाते थे तो हम लोग कुछ लोगों को समझ में आ जाता था, कुछ लोगों को बाद में समझ में आता था, लेकिन मैंने देखा दर्द वो जो सर के सीने में था ना, कि यार तू क्यों नहीं सीख पा रहा, इससे ज़्यादा और सिंपल मैं कैसे समझाऊँ तेरे को। इतनी बार रिवाइज करवाया कि मैं तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसे बच्चे को जिसको इंग्लिश में बोलना तक नहीं आ रहा था, वो बच्चा आज टेंसेस के अंदर 90 प्लस स्कोर कर रहा है। क्यों चीज हुआ वो? क्योंकि उस बच्चे ने ठाना दिमाग के अंदर, उस बच्चे ने ये सोचा कि जब मैं कर सकता हूं, जब ये कर सकता है तो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जब पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सब लोग यहाँ पे आए थे तो सब जीरो थे सर, किसी के अंदर कोई टैलेंट नहीं था, सब लोग जीरो से स्टार्ट हुए। यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से था उसके लिए भी टेस्ट सेम था, जो हिंदी मीडियम से था उसके लिए भी टेस्ट सेम था, लेकिन आगे वही बढ़ा जिसने डेडिकेशन के साथ में काम किया। लेकिन जब सर टॉक देते थे, जब भी सर अपनी मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर करते थे, तो हर एक बच्चा जी जान लगा के वो सुनता था कि यार अगर मेरे पेरेंट्स ने भेजा है यहाँ पे तो मेरे को कुछ ना कुछ करना है। नहीं तो जनरली हम लोग क्लास में बैठते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम लोग देखते हैं, एडमिशन्स करवाते हैं। 8 साल का मेरा ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने कभी जिस तरीके से टीचिंग यहाँ पे देखी है, जिस तरीके से लाइव इंटरेक्शन मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से सर ने हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर जो दर्द बताया है कि यार तू सीख सकता है, यहाँ पे रिलीजन के बारे में कभी आज तक डिस्कशन मैंने कभी नहीं सुना सर के मुंह से कि मतलब हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है। यहाँ पे वो चीज़ सीखी कि आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हो। अगर सक्सेस जिसके मायने हो, जो सक्सेस को लेके लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रखता हो, उसके लिए सब चीज़ें मायने नहीं रखता। तो आज यहाँ पे जो आके मैंने चीज़ें सीखी, मैंने डिसिप्लिन सीखा, मैंने हर एक रिलीजन का रेस्पेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे सीखा, डेडिकेशन क्या होते हैं वो मैंने यहाँ से सीखा, कि मतलब किस तरीके से अगर कोई चीज़ आप ठान लो। और मैं आज ये आपको फर्म एश्योरेंस के साथ में कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे जो बेस्ट, जो बेहतरीन पल था, वो इससे बेहतरीन पल मेरा कभी नहीं हुआ। अगर मेरे पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी वाइफ वीडियो देख रही है, मेरे भैया और मेरी भाभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड वाली बात है ये। मैं तो सोचा ही नहीं था कि मतलब मेरे को जैम ऑफ द वर्कशॉप मिलेगा। बट वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे नेक हो, जब आप सही रास्ते पर चलो, तो आप ये मत सोचो कि क्या मिलने वाला है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज सर ये मेरे को रियलाइज़ हो गया कि मतलब कि आप उसी चीज़ के ऊपर फोकस मत रखो, इरादे नेक रखो, आपकी नेकियाँ ज़रूर भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर आपको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन देगी। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना कि हिंदू मुस्लिम से बेहतर भाईचारा कोई इस दुनिया के अंदर नहीं है। आज यहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं, जिनसे मैंने बात की है, जिनसे मैंने किया, मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को यहाँ पे है। 30 डेज कैसे मेरे को निकला मेरे को पता ही नहीं चला। आज जैसे लास्ट डे है तो मेरे लिए बहुत इमोशनल वाला डे है। आज हर एक भाई से मेरी बहुत दुआ निकली और हर एक भाई ने मेरे को बहुत बहुत अप्रिशिएट किया। और ये जो मोमेंटो है मेरी लाइफ के लिए, ये मेरी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट है। और मैं सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को यहाँ से होने के बाद में आप ये ट्रैक करना कि वो उस रूटीन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मोबाइल से कितना दूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको कि मोबाइल से कभी बच्चा सक्सेस नहीं होगा सर। अगर आपको वो ये बोल रहा है कि मोबाइल से कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखी है, उसने मल्टीपल चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, तो कोई स्कोप ही नहीं है नहीं सीखने का, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करवाना कि वो स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चों को सिखा रहा है। यहाँ पे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स और बेहतर होने के पीछे रीज़न ये था कि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं काफ़ी बच्चों को सिखाता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने काफी बच्चों को बताया कि अगर मेरे को टेंसेस में थोड़ा बहुत भी आता है तो मैं उसके अंदर हेल्प करता था। और वो जैसे ही मैं हेल्प करता गया तो वो चीज मेरे को माइंड में बैठती गई। तो आप जितना हेल्पिंग हैंड बनोगे, जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे, जितना आप ये सोचोगे कि मेरे को मिल क्या रहा है, तो लाइफ में कभी भी आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। आप ये सोचो कि कितने लोगों को आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जिस दिन ऊपर वाला देखेगा ना कि आपकी नेकियां कैसी है, आपने कितने लोगों का फायदा किया है, आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली है, तो जब वो देगा तो वो ये नहीं देखेगा कि मतलब मैं इसको कितना दूं, वो ये देखेगा कि इसको इतना दूं कि ये संभाल ही ना पाए। सो थैंक यू सो मच मुनावर जमा सर एंड एन एंटायर इंग्लिश हाउस अकेडमी कि मेरे को काबिल बनाने के लिए, और मेरी काबिलियत को यहाँ पे पता चला है कि मेरे को मेरे अंदर क्या स्किल्स थी। मैं खो चुका था कहीं ना कहीं जॉब के अंदर, या फिर ये यहाँ पे आने के बाद में एक ऐसे बच्चे को भी मतलब रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन मिल सकता है क्या, वो आज यहाँ पे आकर मेरे को पता चला है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। आई'ड लाइक टू
thank each and every teachers and trainers over here for giving me this opportunity for my career. Thank you so much and have a fantastic day.